हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम बहुत वायरल हो गया है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, मतलब कि कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के लिए कितना पैसा खर्चा आता है और कहां कहां पे खर्चा आता है, सारा प्रोसेस हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं, अगर आप एक फर्द हैं तो आपके 16,000 कैनेडियन डॉलर खर्चा आएगा। अगर आप दो लोग हैं, आपके साथ कोई और भी है, तो आपके 22,000 कैनेडियन डॉलर खर्चा आ जाएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आपका कितना खर्चा कहाँ पे आएगा, कितना खर्चा कहाँ पे आएगा। सबसे पहले नंबर पे है अंग्रेजी जबान का इम्तिहान लेने के लिए। कनाडा एक अंग्रेजी और फ्रांसी जबान बोलने वाला मुल्क है, जिसका मतलब है अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आपको इन दोनों जबानों में से किसी एक जबान में महारत होना लाजमी है। बसूरत दीगर आपकी इमिग्रेशन की दरख्वास्त को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इस वजह से आप अंग्रेजी या फ्रांसी जबान की महारत दे रहे होंगे आईलेट्स का इम्तिहान, और इस पे आपके 300 कैनेडियन डॉलर खर्च आ जाएंगे अगर आप एक हैं तो। अगर आपके साथ कोई और भी है, आप दो लोग हैं, तो आपके 600 डॉलर लग जाएंगे। दूसरे नंबर पे है इमिग्रेशन के दौरान बायोमेट्रिक फीस। कनाडा के किसी भी कौंसलर दफ्तर या सिफारत खाने में अपने प्रोग्राम में इमिग्रेशन की PNP कनाडा एक्सप्रेस एंट्री या दरख्वास्त जमा कराने के अमल के दौरान आपको लाजमी बायोमेट्रिक के अमल से गुजरना पड़ेगा। इस बात को जहन में रखें कि अगर आप एक फर्द हैं तो आपसे 85 कैनेडियन डॉलर वसूल किए जाएंगे, जबकि अगर आपके साथ कोई और है या आप 3-4 बंदे हैं तो आपसे 170 कैनेडियन डॉलर लिए जाएंगे। तीसरे नंबर पे है इमिग्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस। ओके, अगर आप एक फर्द हैं तो आपको 850 कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे, आप दो लोग हैं तो आपको 1700 डॉलर देने पड़ेंगे। और चौथे नंबर पे है एजुकेशन टिंटल्स ECA फीस, जिसके आपको 400 कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे। और पांचवें नंबर पे है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसके आपको अराउंड 100 कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे। और छठे नंबर पे है कनाडा मुस्तकिल रहायश की फीस, यानी कनाडा परमिट रेजिडेंट फीस, के अराउंड 515 कैनेडियन डॉलर है। अगर आप दो लोग होंगे तो आपको 1000 कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे। और सेवंथ नंबर पे है सेटलमेंट कॉस्ट, जो कि एक्सप्रेस एंट्री कनाडा में आबाद होने की तमाम अमल में सबसे बड़ी लागत है, क्योंकि ये तकरीबा 30.7 या 35.5 कैनेडियन डॉलर के सेटलमेंट फंड्स और ट्रक फीस, जैसे कोरियर की तरसील, ट्री सर्विस, तस्वीर, पुलिस सर्टिफिकेट वगैरह का अहाता करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 16,000 कैनेडियन डॉलर होना लाजमी है। अगर आप दो लोग हैं तो आपके पास 22,000 कैनेडियन डॉलर होना लाजमी है, तब जाके आप कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू बहुत सारे लोगों के वीजा अप्रूव्ड हुए हैं, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम रखा गया है वो 4 मंथ से लेकर 6 मंथ है, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आपके वीजा के रिजल्ट आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।